everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Rate. I hope you all are doing well. And I'm sitting at Lucknow Airport. मेरे जो colleagues हैं वो लोग इंडिगो के काउंटर से बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ. प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सिक्योरिटी चेकिंग. सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ जा रही हूँ अभी. एवरीडे सुबह सुबह मैं करेला जूस पी के मुँह कड़वा करती हूँ. आज सुबह सुबह मैं मुँह मीठा करने वाली हूँ. मुझे भी दिखा दो. रास्पबेरी वाइट चॉकलेट केक कैसा है? आ जाओ. बहुत अच्छा है. आ जाओ नाश्ते के लिए. आ जाओ सारे लोग लखनऊ आ जाओ. लखनऊ बुला रही है. आप जाओ, जो जहाँ से हो लखनऊ एयरपोर्ट आ जाना है इसका रेस्पबेरी केक शेयर करने के लिए. मेरा लास्ट मंथ का जो लखनऊ टूर था वो मैं आप सबके साथ में शेयर करी थी दो पार्ट में. एक लखनऊ आना और एक लखनऊ से मुंबई रिटर्न जाना. इसके लिए इस बार इतना सब कुछ शेयर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ. रिटर्न जाने का थोड़ा मैं कर रही हूँ. और जब पता है जब काम में बिजी रहते हैं ज़रा भी मोबाइल हाथ में लेने का फुर्सत नहीं होती है. इसके लिए काम के बीच में मैं ज़रा भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ. जैसे काम ख़त्म हुआ उसके बाद गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए जब हम लोग बैठे ना तभी मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री हूँ पूरी तरह. अब मैं ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट करूँ. ये बस है जो हमें फ्लाइट तक पहुँचाएगी. हम पहुंच गए हैं हमारी फ्लाइट तक. बस ने पहुंचा दिया. कौन सा? मैं बैठूँ इसमें? आप भी बैठेंगे? एक मिनट, कहीं भी बैठ जाना. एक देखिए मेरी जो ये कॉलीग है इन्होंने कैमरा ले लिया. मैंने सामने के ट्रे टेबल के ऊपर रखा था लेकिन इन्होंने कैमरा ले के जिस तरह शूट करने में मेरा हेल्प किया मुझे बहुत अच्छा लगा. कि बिना बोले ही कभी कभी हेल्प कर देते हैं ना. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनको ब्लॉगिंग उनको ब्लॉगिंग का मतलब भी पता नहीं चलता. जब मैं ब्लॉग करती हूँ तो वो उनको समझ में नहीं आता क्या करें. और जिस वजह से मैं बाहर जब रहती हूँ ना मुझे ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा ये लगता है, इरिटेटिंग लगता है सबके बीच में रह के ब्लॉगिंग करना क्योंकि उनको समझ में नहीं आता. और ये जो मेरी कलीग है ये इनको पता है ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है. इनके घर के इनके जो नीस और निफ्यू है ये लोग देखते हैं. बोल रही थी कि मेरे घर में ये सब चलता रहता है. मेरे घर के जो बच्चे हैं ना नीस और निफ्यू ये लोग देखते रहते हैं तो मुझे पता है. इनको ये पता नहीं था कि मैं भी ब्लॉगर हूँ. ये इनको पहनना है कंपलसरी है यहाँ पर. वही मैंने बोला और पहनना ही पड़ रहा.
नाइट ड्रेस पहन लिया मैंने, अब सोना है। और एक चीज बाकी है, इसको पहले निकाल दो। सैनिटाइजर बता रही हूँ, तुम सैनिटाइजर के लिए बोल देना बाद में। अब हम तैयार हैं सोने के लिए। यार इधर ना ग्यारह बीस हो रहा है सुबह। और ये देखिए फेस शील्ड, मैंने कब इसको फेंक दिया था सोते हुए मुझे पता ही नहीं चला। चेहरे का ढक्कन, ये हमारे मुंबई एयरपोर्ट का रनवे है जहाँ से प्लेन्स सारी दौड़ती है, भागती है, उसके बाद उड़ती है, वो रनवे है ये। बस मेरी बैग अभी जल्दी जल्दी मिल जाए तो मैं कैब बुक करके घर भागूं। ये बैग मुझे देखी आते हुए मुझे लगा ये मेरी बैग है, लेकिन नज़दीक जब आई तो पता चला नहीं, ये ब्लू कलर की किसी और की बैग है। और ये लिफ्ट में से मुझे पार्किंग प्लेस में जाना पड़ेगा जहाँ से मुझे कैब, मतलब कैब ऑलरेडी वेट कर रही है मेरे लिए, बहुत पहले आ गई थी, मैंने बुक किया था तो तुरंत आ गई थी और यहाँ वेट कर रही है मेरी कैब। नॉट माई कैब ऑब्वियसली, नॉट, हायर किया था मैंने घर जाने का। ये ड्राइवर को देखिए कैसे प्रोटेक्शन का पूरा एक लगा लिया है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने लॉकडाउन के बाद कई बार ट्रैवल किया ऐसे ओला उबर से, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ड्राइवर ने इस तरह का अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगा लिया है। और ये देखिए स्टैम्प लगा के देते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते टाइम सारे पैसेंजर्स को होम क्वारंटीन रहने के लिए 14 डेज। और मैंने सैनिटाइजर लगा लिया था तुरंत इसको मिटाने के लिए रगड़ रगड़ के, तो फिर भी थोड़ा बचा है, यहाँ क्या करते हैं। और अब थोड़ा और लगाया सैनिटाइज़र तो बाकी का भी निकला, लेकिन फिर भी बचा है अभी भी। मुझे अगर 2-3 दिन में कहीं और जाना पड़ेगा तो सडनली मुझे कोई और काम आया। ओ मैन, 2:30 बज रहा है, अब घर पहुंची 2:30 बज रहा है, मतलब मुझे घर पहुंचने में ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लगा। 1 घंटे का रास्ता 2.5 घंटा, इतना गंदा ट्रैफिक था कि क्या बताऊँ। मैं बैठ बैठ के ट्रैफिक में सोच रही थी मैं घर आज पहुंच पाऊंगी ना, इतना गंदा ट्रैफिक था। हे एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। कल मैं बहुत थक गई थी जिसके वजह से मैं ये व्लॉग एंड नहीं कर पाई, मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल, मैं बात करने का मन नहीं कर रहा था। और एयरपोर्ट से मेरे घर का डिस्टेंस है 1 घंटा लगता है, लेकिन 3 घंटा लग गया। आप लोग समझ सकते हो कितना बुरा ट्रैफिक था। और बाहर इतनी गर्मी ही है, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है,
एसी जो कैब के अंदर जो एसी चल रही थी वो कूल भी नहीं, मतलब बाहर की गर्मी इतनी थी कि एसी वर्क नहीं कर रहा था, जिसके वजह से अंदर बैठे रहो तो गर्मी हो रही है, एसी ऑन है फिर भी विंडो खोल दो तो बाहर की गर्मी, गर्म हवा, हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना मेरे, ये 3 घंटे का जो ट्रैवल था घर आने तक, मतलब दुश्मन भी यार किसी को इतना लंबी ट्रैफिक में ना फंसाए, किसी दुश्मन को भी को ना फंसाए भगवान। तो मैं कल आप लोगों को बोली थी मुझे 2.5 घंटा लगा, एक्चुअली 2.5 घंटा नहीं 3 घंटा लगा था। लखनऊ से मेरी फ़्लाइट थी 9:10 की और मैं मुंबई पहुंची थी 11:20 को, और जब मैं कैब में बैठी तब बज रहा था कुछ 11:35 हो रहा था, तो 11:35 से लेके मैं 2:30 बजे घर पहुंची, मतलब 3 घंटा ही होता है ना, कितना लंबा टाइम लगा। एनीवेज ये देखिए अभी भी रह गया है, थप्पा मार दिया था देखा, अभी भी रह गया है ये, पता नहीं कब निकलेगा। वो तो मैं इतना भी पूरा रह जाता हुआ अगर मैं सैनिटाइजर लगा के रगड़ रगड़ के नहीं घिसती ना, घिस घिस के नहीं निकालती तो वो पूरा ही रह जाता। अभी इतना बचा कुचा रह गया, पता नहीं कितने दिन में। आज भी मेरा गोवा का था टूर, लेकिन वो कन्फर्म नहीं हुआ, होता है ऐसा होता है कन्फर्म नहीं हुआ करके, नहीं तो मैं ये लेके कैसे जाती, मैं वही सोच रही हूँ। बहुत इरिटेटिंग है सारी चीज़ें जो चल रही है ना, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत अनॉइंग है, जितना है नहीं उतना ढोल बजा रहा है, ढिंढोरा पीट रहा है। एनीवेज पीपल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल।